नवरात्रि एही नवरात्रि रे शक्ति स्वरूपिणी माँ दुर्गा को आराधना करा जाए एवं माँ को उपासना करा जाए। फ्रेंड्स आपण माने समस्ते देवी जगदम्बा माँ दुर्गा को विषय रे तो जानिथिबे। सही शक्ति स्वरूपा देवी दुर्गा समस्त लोकों कल्याण पाई तथा दुष्ट दानव राक्षस विनाश करने केते थर अलग अलग रूप धारण करथिले। भगवती देवी दुर्गा आज भी समस्त लोकरे निजर भक्त मानकर कल्याण करती। एही कारण संसार रे आश्विन शुक्ल प्रतिपद ठारु नवमी पर्यंत दुर्गांकर नौ रूप को पूजा करा जाय थाए जहाँ नवदुर्गा कुहा जाए। तेबे चालंतु आजिरो एही वीडियो रे आमे देखिबा देवी दुर्गा केउ रूप को पूजा करा जाए। देवी दुर्गा को पार्वती ही एक रूप मना जाय थाए। एथिपई नवरात्रि प्रथम दिन जो रूप आराधना करा जाय थाए तहार नाम शैलपुत्री। पर्वतराज हिमालय पुत्री रूप से जन्म होइथिबारु तांको नाम शैलपुत्री। तांकर बाहन वृषभ अटे तेणु से ही देवी को वृषारूढ़ नाम रे मध्य जानती। तांको डाहाण हाथ में त्रिशूल धरिछंती एवं बाम हाथ में पद्म फूल सुशोभित हो रही थाए। माँ दुर्गा को एही स्वरूप शांत सौम्य और प्रभावशाली अटे। शैलपुत्री तांको पूर्व जन्म रे ब्रह्मांक मानस पुत्र प्रजापति दक्षंक पुत्री थिले एवं तांको नाम सती थिला एवं तांको विवाह भगवान शिवंक सह होइथिला। परंतु सती तांकर सही जन्म रे दक्षंक यज्ञ कुंडारे दाह करिकि निजर देह त्याग करि देथिले। देवी सतीक द्वितीय जन्म शैलपुत्री भाव में होता एवं तांको विवाह भी भगवान शिवंक सह होता। देवी शैलपुत्री को देवी हेमावती बा देवी पार्वती नाम जानती। नवरात्रि द्वितीय दिन माँ दुर्गा ब्रह्मचारिणी स्वरूप को पूजा करा जाए। एठी ब्रह्म शब्दर अर्थ तपस्या ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी। देवी सती जेते बेले शैलपुत्री भाव में द्वितीय जन्म नहीं थिले सेते बेले सब मनुष्य भली तांकु भी पूर्व जन्मर कौन सी भी घटना मने पड़ू नथिला एवं सेपटे भगवान शिव निजर प्रथम स्त्रीर शोक बुड़ी रही थिले। सेते बेले देवता माने भगवान शिव को दुखर मुक्ति देवाई शैलपुत्री सह विवाह करने विचार कले एवं देवश्री नारद शैलपुत्री को भगवान शिव को निजर स्वामी भाव स्वीकार करने को कहिले। तेबे शैलपुत्री भगवान शिव को स्वामी भाव में पाइबापी हजार वर्ष कठिन परिश्रम करते एते कठिन परिश्रम कले जे तीन लोकर हाहाकार खेलीगला। देवी शैलपुत्री तपस्या अद्भुत प्रकार एमती कठिन तपस्या केवे किए मध्य कर एही कारणरु ही तांकर नाम ब्रह्मचारिणी थिला। माँ दुर्गा नवशक्ति भितरु द्वितीय स्वरूप को ब्रह्मचारिणी कुहा जाए। देवी को एही रूप पुण्य ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य अटे। एही ब्रह्मचारिणी माँ को डाहाण हाथ में जपामाली और बाम हाथ में कमंडलु रही थाए। एही माँ को उपासना करने द्वारा कठिन रु कठिन संघर्ष कले मध्य निजर पथर विचलित हुवंती नाहीं। नवरात्रि तृतीय दिन माँ दुर्गा तृतीय शक्ति चंद्रघंटा पूजा करा जाए। पुराणर वर्णना अनुसार देवलोक जेतेबेले असुरर आतंक अधिक बढ़िबाकु लागिला सेतेबेले दुर्गा चंद्रघंटा अवतार नहींथिले। माँ का एही स्वरूप मस्तक घंटा आकार अर्धचंद्र रही थाए। एही कारण माँ का नाम चंद्रघंटा देवी कुहा जाए। सिंह उपरे सवार करुथिबा चंद्रघंटा माँ का दसटी हाथ रही दस हाथ में अस्त्रशस्त्र विराजमान रही। देवी चंद्रघंटा का मुद्रा देखिले एमिति प्रतीत होउछि जेमिति से युद्ध करने प्रस्तुत हो रही। नवरात्रि दुर्गा उपासना रे
तृतीय दिन पूजा रे बहुत महत्व रही कहीं माँ चंद्रघंटा भक्त मानक डाक खूब शीघ्र शुणी था निजर मनवांचित फल प्रदान करते। नवरात्रि रे माँ दुर्गा चतुर्थ स्वरूप कुष्मांड को पूजा करा जाए जेबे आम सृष्टिर कौन सी अस्तित्व नथिला चारिपटे केवल अंधार ही अंधार रही सेतेबेले एही आदिशक्ति देवी दुर्गा एही ब्रह्मांडर रचना करथिले। अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करिबा पई ही आदिशक्ति को एही स्वरूप को कुष्मांड देवी नाम जाना जाए। माँ का निवास सूर्य देव लोक भितर एक लोक तेणु एही देवी शरीर और कांति सूर्य समान तेजर सामना कौन सी भी देवी देवता करिपारंतिनि। एही ब्रह्मांड रे समस्त वस्तु और प्राणी मध्य तेज तांकरी ही छाया अटे। सिंह उपरे सवार करुथिबा एही कुष्मांड आठटी हाथ तेणु तांकु अष्टभुजा देवी मध्य कुहा जाए। तांको हाथ रे कमंडलु धनु बाण पद्मफूल अमृत कलस चक्र गदा और जपमाला रही थाए। नवरात्रि चतुर्थ दिन रे करा जाउथिबा माँ कुष्मांड को संस्कृत रे कुम्हाडे कुहा जाए। कुम्हाडे अर्थ बोईतालु एही बोईतालु बलि माँ को प्रिय सेथिपाई मध्ये तांको कुष्मांड कुहा जाए। एही माँ को पूजा करिबा द्वारा समस्त रोग दूरे जाए और आयु बल और आरोग्यर वृद्धि होइथाए। नवरात्रि पंचम दिन रे जो माँ को पूजा करा जाए से ही स्वरूपर नाम स्कंद माता। भगवान स्कंद कुमार जहाँ को कार्तिकेय मध्य कुहा जाए तांकर माता होइथिबारु माँ दुर्गा को एही पंचम स्वरूप को स्कंद माता कुहा जाए। तांको विग्रह रे भगवान स्कंद बाल्य स्वरूप कोलरे बसी थांती। स्कंद माता स्वरूपिणी देवी चारोटी भुजा डाहाण हाथर ऊपर भुजा रे भगवान स्कंद कोलरे धरिछंती एवं तल भुजा रे पद्मफूल धरिछंती एवं बाम हस्तर ऊपर भुजा रे मुद्रा आकार रे रही थाए एवं तल भुजा रे पद्मफूल रही थाए। देवी स्कंद माता पद्मफूल उपरे विराज करिथांती तेणु एही देवी को पद्मासन देवी मध्य कुहा जाए। एही देवी का वाहन सिंह अटे। स्कंद माता पूजा करने द्वारा बाल्य रूप स्कंद पूजा मध्य हो जाए। माँ दुर्गा षष्ठ स्वरूपर नाम माँ कात्यायनी। पूर्व काल रे कत नामक एक ऋषि थिले तांको पुत्र ऋषि कात्व एवं परे तांको वंशरु जन्म नहीं थिले ऋषि कात्यायन। ऋषि कात्यायन बहुत वर्ष पर्यंत माँ भगवती को तपस्या करुथिले एवं तांकर इच्छा थिला माँ भगवती तांको घरे पुत्री रूप से जन्म हुवंतु। जेबे दैत्य महिषासुरर वध करबा पई भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश निजर शक्तिर अंशरु माँ दुर्गा को उत्पन्न करिथिले। महर्षि कात्यायन सर्वप्रथमे माँ दुर्गा को पूजा करिथिले। देवी कात्यायनी महर्षि कात्यायनक पुत्री रूप से जन्म नहीं थिले सेथिपाई देवी दुर्गा को एही स्वरूप को माँ कात्यायनी कुआ गला। सिंह उपरे सवार करुथिबा कात्यायनी रूप बड़ भव्य और दिव्य थिला। तांकर चारि भुजारु डाहाण हाथर ऊपर भुजा अभय मुद्रा रे रही थाए तल भुजा बर मुद्रा रे रही थाए एवं बाम हाथर ऊपर भुजा रे खंडा और तल भुजा रे पद्मफूल विराजमान रही थाए। माँ कात्यायनी को पूजा करने द्वारा से भक्त मानक धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्रदान करती। कुआरी कन्या कात्यायनी को पूजा करने द्वारा तांको विवाह रे आसुतिबा सबु असुविधा शेष हो जाए एवं जेउ मानकर ग्रह कुंडली दोष रही थाए माँ कात्यायनी को पूजा करने द्वारा बृहस्पति से मानक उपरे प्रसन्न हुवंती। नवरात्रि सप्तम दिन में कालरात्रि को पूजा करा जाए।
देवी कालरात्रि शरीर रंग घना कालरात्रि पर अंधार एवं मुंडर केश गुड़िक बिंची हो रही थाए तीनोटी आखि एवं नाकरु भयंकर शब्द बाहरे एही देवी गद उपरे सवार करिथांती। माँ कालरात्रि स्वरूप देखा अत्यंत भयंकर होइथाय मात्र तांकु समर्पण भावरे पूजा कले शुभ फल प्रदान करिथांती। अन्य नाम शुभान्ति मध्य दानव राक्षस दैत्य भूत पिशाच इत्यादि एही माँ का स्मरण हेतु दूरे जाती। माँ का डाहाण हाथर ऊपर भुजा बर मुद्रा रे एवं तल भुजा अभय मुद्रा रे रही थाए एवं बाम हाथर ऊपर भुजा रे लुहा कंटा एवं तल भुजा रे खंडा विराजमान होता है। माँ दुर्गा को अष्टम स्वरूप नाम महागौरी तांकर रंग गोरा देवी महागौरी बयस 8 वर्ष बोली मना जाए तांकर वस्त्र और आभूषण भी श्वेत वर्ण वृषभ उपरे सवार करुथिबा देवी महागौरी चारोटी हाथ महागौरी जेतेबेले पार्वती रूप से शिव को प्राप्त करने कठोर तपस्या करुथिले सेतेबेले तांकर रंग कला पड़ी जाइथिला सेतेबेले भगवान शिव तांको पवित्र जल रे धोइले तापरे तांकर रंग विभूति परि कांतिमान होई पड़िला सेतेबेले तांको नाम महागौरी होइथिला। देवी महागौरी को पूजा फल रे सब पाप नष्ट होई जाए माँ को डाहाण हाथर ऊपर भुजा अभय मुद्रा एवं तल भुजा त्रिशूल धारण करिथांते एवं बाम हाथर ऊपर भुजा रे डंबरु और तल भुजा बर मुद्रा रे रही थाए। नवरात्रि नवम दिन में सिद्धिदात्री को पूजा करा जाए माँ दुर्गा को नवशक्ति भीतर सिद्धिदात्री अंतिम देवी समस्त को सिद्धि प्रदान करुथिबा देवी सिद्धिदात्री कृपा बल रे भगवान शिव अधा शरीर स्त्री हो जाइथिला ताहा संसार रे अर्धनारीश्वर नाम रे विख्यात सिंह उपरे सवार करुथिबा देवी सिद्धिदात्री पद्म फुलारे मध्य विराजमान करुथिले। एही मांकर चारोटी हाथ डाहाण हाथर तल भुजारे चक्र ओ ऊपर भुजारे गदा तथा बाम हाथर ऊपर भुजारे पद्म फूल ओ तल भुजारे शंख विराजमान होइथाय। सिद्धिदात्री को पूजा कला परे भक्तों का सब मनोकामना पूर्ण हुए। हैप्पी नवरात्रि।